हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, मैं डीएस बाबू। तो आइए, आज हमारे यूट्यूब चैनल फिर से वेलकम है, स्वागत है। तो आज देख सकते हैं कि मैं तत्ता पानी मेन मार्केट में हूँ और ये मार्केट का नज़ारा है, सीन है। यहाँ रास्ता किस तरह का है, आज का वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ का रास्ता, तो साइड में आना बाबू, चल कैमरा ले। साइड में जो है देख सकते हैं कि बहुत दिनों से रास्ता जो है उभर खाबड़ है। आइए इधर आइए, आइए इधर आइए इधर। और ये रास्ता में देख रहे हैं कि बहुत दिनों से गड्ढा है यहाँ पे, जितना बहुत ज़्यादातर ये मेन रोड है, गढ़वा से अंबिकापुर जाने वाला रूट है, और इसका स्थिति जो है बहुत ही ख़राब हो चुका है। और मैं जानना चाहूँगा, अभी मेरे साथ मेरे चाचा जी भी जुड़े हुए हैं यहीं से हैं, और यहाँ अंडा दुकान वाले भी इधर बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे तो जानेंगे। इधर मुर्गा दुकान वाले भी हैं, तो सबसे अभी मिलेंगे और जानेंगे कि मतलब ये रास्ता में किस प्रकार का कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। भाई इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चाचा प्रणाम, इधर देखिए यहाँ कैमरा, ये जो रास्ता जो एकदम गड़बड़ सबड़ दिख रहा है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? ये देखिए, थोड़ा टाइट बोलिए, थोड़ा टाइट बोलिए। राष्ट्रीय राजमार्ग है 343, और ये मेरे ख्याल से ये नेशनल हाईवे हो चुका है। इसके चलते जो भी ठेकेदार है इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कि और ये बहुत गड्ढे हैं, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब कुछ तो यहाँ कमी है दुकानदारों की भी, क्योंकि यहाँ गड्ढा हो, दुकान से ज़्यादा गड्ढा रास्ता है। पानी बरसता है तो पूरा पानी रास्ते पे आ जाता है, और बड़े बड़े हाईवा अगर चलते हैं तो उसके चलते ये गड्ढे में परिवर्तन हो गया। ये रोड कोई नहीं कहेंगे, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 343 है। हाँ। ये पंचायत से भी खत्म, तो इसमें तो चुका है कलेक्टर को, इसको बनाना चाहिए कि नहीं, मतलब तत्काल व्यवस्था के लिए इसको क्या करना चाहिए? कलेक्टर जी का संज्ञान में है। हाँ। और ये गुरुवार को बोले थे कि इसको बना देंगे करके। हाँ। आज तो शुक्रवार हो गया, शुक्रवार हो गया, फिर भी नहीं बना। ये यहाँ का पब्लिक का भी कमजोरी है, पब्लिक का कमजोरी है, बन जाएगा। कम से कम इसको अभी अगर मान लीजिए हाईवा रोड नहीं बन रहा है, तो कम से कम मुरुम या गिट्टी डाल के इसको मरम्मती तो होना चाहिए था ना? आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। सुबह भी एक गाड़ी यहाँ पर उनका मेन पट्टा टूट गया, जिसके कारण से यहाँ पर एक डेढ़ घंटा लगभग रोड का आवागमन बंद रहा, ऐसा ना? तो ये इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसमें मेन करके चूंकि आचार संहिता लगा हुआ है, शासन को इसमें ज़्यादातर इसमें शासन को हस्तक्षेप करना चाहिए, और इनको चूंकि कलेक्टर के संज्ञान में है, पता नहीं इसको ध्यान क्यों नहीं दे रहे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ का जो रास्ता है, इसका गड़बड़ी परिस्थिति देखिए। अभी साइड लेते लेते ऐसा हो गया कि दुकानदार के एकदम सामने से साइड लेने लगा है लोग, और बीच में रास्ता पूरा गड्ढा हो चुका है, जर्जर हो चुका है, और देखिए धूरी भी उड़ रहा है अगर, और गाड़ी भी जो चल रहा है, जो आ रहा है, गाड़ी का चक्का इधर उधर हिल रहा है, इसमें बहुत सारा एक्सीडेंट हो चुका है और कंडीशन बहुत ख़राब है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ा वाला गाड़ी जा रहा है, इसका स्थिति देखिए किस प्रकार से पार हो रहा है, आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए बहुत ही हिलता डोलता गाड़ी बहुत मुश्किल से पार हो रहा है, यहाँ पे जगह नहीं है इसके लिए, देखिए पूरा गड्ढा हो चुका है, देखिए चक्का देखिए। और अब चलते हैं अंडा वाले भैया के पास, थोड़ा पूछते हैं इनसे क्या हाल चाल समाचार है। क्या हो अंडा वाला भैया? हाँ भैया बताइए। नमस्कार प्रणाम, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप इस रास्ते के बारे में? आप इसी जगह ठेला लगाते हैं हमेशा? हाँ, यहाँ रोड खराब हो गया है, तो शासन को भरने का ध्यान देना चाहिए। बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, चक्का एकदम ऊपर उठ जा रहा है, चक्का उठ जा रहा है। हाँ, चक्का उठ जा रहा है, बहुत परेशानी है। अभी दो गाड़ी को पाटा टूट गया है। अच्छा अच्छा, भाई लोग गौर से देखिएगा, इसके चक्का को देखिएगा, जो गाड़ी आ रही है आगे से, ये देखिए उसका चक्का को देखिएगा दोस्तों, चक्का एकदम गौर से देखिएगा, किसका चक्का कैसे देखिए अलग जा रहा है, पूरा उठ जा रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जमीन को छोड़ दे रहा है चक्का को, जमीन को छोड़ दे रहा है चक्का। और रास्ता इतना ख़राब हो चुका है कि आवागमन करने में बहुत परेशानी, अगर थोड़ा सा फास्ट हो, स्पीड हो या बैलेंस हो जाए तो बहुत ही दुर्घटना। आप देखिए दोस्तों, एक साथ अनेक गाड़ी आ चुके हैं, आप देखिए कैसे साइड लेते हैं ये लोग, क्या करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए चाका, देखिए चाका, देखिए पूरा अलग गया, ये देखिए पूरा चाका अलग जा रहा है, कैसे भी करके पार होना है, यहाँ पर व्यवस्था बहुत ही खराब हो चुका है। आप बताइए इस रास्ते के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खराब हो गया भैया, कितना आदमी को गाड़ी का पट्टा टूट जा रहा है, कल भी इसको गाड़ी का पट्टा टूट गया था भैया, गाड़ी का पट्टा टूट जा रहा है, टूट गया, बड़ा गाड़ी का पट्टा टूट गया था। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम, माय डियर बाबू।